अफगानिस्तान के खिलाफ 99% हारे हुए मुकाबले को जिताया मैक्सवेल ने दोहरा शतक जड़कर रचा इतिहास। इसके बाद मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीत कर दिया टीम इंडिया के ऊपर बड़ा बयान। विराट कोहली हिटमैन रोहित शर्मा को लेकर कही ऐसी बात जिसे सुनकर आप भी करोगे सलाम। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैक्सवेल के बयान का पूरा वीडियो। आखिरकार मैक्सवेल ने भारतीय टीम को लेकर क्या कुछ कहा, कौन सा बड़ा बयान दिया, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इसे एंड तक जरूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही अगर मैक्सवेल की इसी दमदार पारी के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और अफगान के इस महा मुकाबले के बारे में, तो अफगानिस्तान की टीम को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3 विकेट से हरा कर इतिहास रचा। एक समय देखें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम की पारी पूरी तरह से बिखर चुकी थी, जहां पर अफगानिस्तान की टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट खोए और यहां पर 291 रन बना दिए, यानी कि 292 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने रखा। ऑस्ट्रेलियाई टीम की हम बात करें तो इस टीम के ओपनर बल्लेबाज पेविलियन लौटे, इसके बाद एक से बढ़कर एक बल्लेबाज जो टीम के पास मौजूद थे उनके विकेट गिरते गए, लेकिन इसके बाद दमदार परफॉर्मेंस किया यहां पर मैक्सवेल ने और अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार पारी को आगे बढ़ाते हुए दोहरा शतक जड़ा 201 रन बनाकर इस मुकाबले को जीत कर इतिहास रचा। मात्र 46 ओवर में ही मुकाबले को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीत लिया और अफगानिस्तान की टीम को हरा कर पूरी तरह से बाहर कर दिया। हम बात करें इस मुकाबले के बाद जब यहां पर मैन ऑफ द मैच चुना गया मैक्सवेल को, तो उन्होंने कौन सा बड़ा बयान दिया। हम बात करें सबसे पहले मैक्सवेल के इस पारी की, तो मैक्सवेल ने मात्र 128 गेंदों पर 201 रन बनाए। अपनी पारी में 21 चौके और 10 छक्कों से जड़ी इनकी ये दमदार पारी देखने को मिली, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने टीम इंडिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि वह इस मुकाबले को जीते हैं और दोहरा शतक लगाने में कामयाब रहे, तो इसमें भारत का हाथ है क्योंकि भारतीय टीम अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करती तो इस मुकाबले में वे अपना दोहरा शतक नहीं चढ़ सकते और वर्ल्ड कप का इतिहास नहीं रच सकते। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे रन चेसमैन विराट कोहली के जैसे बल्लेबाज बनना चाहते हैं और वर्ल्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि यहाँ पर विराट कोहली की तरह उनका भी नाम लिया जाए और वे भारतीय टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहेंगे कि उन्हें यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहकर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली, लेकिन अब ऑस्ट्रेलियाई टीम चाहेगी कि यहाँ पर सेमीफाइनल का पहला महामुकाबला जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच देखने को मिले और उस मुकाबले में टीम इंडिया के खिलाफ भी वह इसी तरह की दमदार पारी खेलकर इतिहास रचे। तो दोस्तों मैक्सवेल के इस बड़े बयान के ऊपर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।